अंदर पूछा, खरगोश भैया, खरगोश भैया, क्या हुआ है? खरगोश भैया, खरगोश बोला, कुछ नहीं भैया, बुखार हुआ है, मुस्तर से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और बंदर बोला, जल्दी ठीक हो जाओगे। वहाँ पे खरगोश के पास फलों की टोकरी पड़ी थी और बंदर ले गया। फिर अगला हाथी आया। हाथी बोला, खरगोश भैया, खरगोश भैया, क्या हुआ है? खरगोश भैया, कुछ है? कुछ नहीं भैया, बुखार हुआ है, बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हाथी बोला, जल्दी ठीक हो जाओगे, कुछ कुछ बड़े जैसे जानवर भी बीमार हो जाते हैं, तुम तो इतने छोटे से हो, जल्दी ठीक हो जाओगे। वहाँ पे लाल लाल गाजर और हरी हरी सब्जियां और हाथी ले गया। और फिर बिल्ली मासी आई, मौसी आई। बिल्ली मासी पूछी खरगोश से, खरगोश भैया, खरगोश भैया, क्या हुआ है? खरगोश बोला, कुछ नहीं मौसी, बुखार हुआ है, बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा। और बिल्ली मासी बोली, जल्दी ठीक हो जाओगे। वहां पे दही, दही, मक्खन, घी, घी और के और दही भी, सारा सामान, सारा जितना भी दूध के जैसा था सामान, वो चट कर गई। फिर वो वहां से चली गई। फिर अगले सियार और लोमड़ी और शेर, सियार आए। सियार और लोमड़ी पूछे, खरगोश भैया, खरगोश भैया, क्या हुआ है? खरगोश बोला, कुछ नहीं भैया, बुखार हुआ है, बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर वो खरगोश के घर में खाना ढूंढने लगे, उनको एक खड्डी भी नहीं मिली। फिर वो वहां से चल पड़े। उसको रास्ते में शेर का, और शेर को बोले, शेर भैया, शेर भैया, आप खरगोश के घर ही जा रहे हैं ना? शेर बोला, हाँ, उसके घर मत जाइए। बाद सारे जो बाकी पहले जानवर आए थे वो सारा खाना ले गए। हमने पूरा घर रसोई घर देखा, उसमें एक खड्डी भी नहीं थी। और शेर बोला, अच्छा, मैं उसके घर नहीं जाता, मैं जंगल में अपना शिकार करके अपना पेट भर लेता हूँ। फिर मधुमक्खी आई, वो जो दो बोतल शेर लाई। और उसने वो पहली थी जो किसी के लिए लाई थी। और फिर वो बोली, खरगोश भैया, खरगोश भैया, क्या हुआ है? खरगोश बोला, कुछ नहीं मधुमक्खी, कुछ नहीं मधुमक्खी, बुखार हुआ है और बिस्तर से हिल नहीं पा रहा हूँ। अभी रुको, मैं भालू डॉक्टर को बुला के आती हूँ। फिर वो भालू डॉक्टर के पास गई और उसको खरगोश को क्या हुआ है और वो सब बता दी। फिर भालू डॉक्टर ने दवा दी और खरगोश वापस ठीक हो गया। फिर से उछल कूद करने लगा और वो मधुमक्खी को बोला, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो, इसका निशान हमें प्रशिक्षा मिली, हमें किसी को हमारा दोस्त परेशानी में, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।